दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के पांच ऐसे जोन जहां पर कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, यानी ये कह सकते हैं कि जहां पे ऐसी सेफ जोन, पांच ऐसे सेफ जोन रेलवे ग्रुप डी में जहां पर कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लाइफ हाई टीचिंग में। देखिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो रेलवे ग्रुप डी का पांच ऐसे सेफ जोन जिसे कट ऑफ कम जाएगी, और क्या पता आपका भी वो जोन हो, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। और ये बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए और बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है। ठीक है दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बता देता हूँ, कुछ एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि सबसे पांच डेंजर जोन जो है वो अगला वीडियो में आएगा, यानी कल शाम 7 बजे। ठीक है तो जो डेंजर जोन वाला वीडियो है ना वो अपने अगले वीडियो में आएगा, यानी कल शाम 7 बजे। ठीक है एक इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए ताकि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये जो वीडियो, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कल का वीडियो जो है डेंजर जोन, पांच डेंजर जोन उसका वीडियो मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। ठीक है देखिए बात करते हैं कि पांच सेफ जोन है, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में जो है पांच सेफ जोन जो थे, यानी यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही कम, यानी कि जिस बंदे ने थोड़ी सी तैयारी की है ना वो यहाँ पे क्रैक कर सकता है, और उसके फिजिकल की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है और लेकिन ये आपको नोट दे देता हूँ कि जो अभी कट ऑफ बता रहा हूँ ये सभी जनरल की, और एससी एसटी की इसमें से मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है पहले जो है आरआरबी गुवाहाटी, ठीक है आरआरबी गुवाहाटी की जो 45 जाने वाली है जनरल की कट ऑफ, तो यहाँ सोच सकते हैं कि एससी एसटी की कितनी कम जाएगी। ठीक है आरआरबी ग्रुप डी के जो मतलब एग्जाम था वो काफ़ी हार्ड था, लेकिन गुवाहाटी की जो कट ऑफ है वो 45 जाएगी, और इस बार तो पेपर बहुत ही हार्ड है, तो हिसाब से तो 45 तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम भी जा सकती है। आरआरबी कोलकाता का जो है वो 46 जाएगी कट ऑफ, ठीक है आरआरबी चेन्नई की 47 तक रहने वाली, 47 से 45 भी हो सकती है, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और गुवाहाटी में तो फॉर्म भी बहुत ही कम भरे गए थे, और चेन्नई और कोलकाता में, यानी इन जगहों पर फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं। ठीक है दोस्तों और आरआरबी अहमदाबाद में जो दोस्तों 50 जो है कट ऑफ जाने वाली है, ठीक फ्रेंड्स, और आरआरबी रांची में भी 51 तक कट ऑफ जाएगी, और ये पूरा श्योर में, इसमें कोई ये राय नहीं है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, पूरी 100% कट ऑफ रहने वाली है। अगर इससे कम रही या इससे ज़्यादा रही, तो इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ज़्यादा आई तो आप लोग कमेंट कर देना, जब आप अगर आपका रिजल्ट आ गया तो, ठीक है आप लोग फिर कहना मेरे को अगर आएगी कम से, तो ठीक है देखिए इन सबसे कम कट ऑफ आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, जो मैंने इसमें बताई है कि 45, 46, 47, 50 क्या हो, ठीक है यही सब कट ऑफ रहने वाली है। ये पांच जोन जो है अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो सभी सेफ जोन हो सकता है, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आपका यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि एससी एसटी कितनी कट ऑफ जाएगी यहाँ पर इन जो पांच सेफ जोन है, अगर जनरल की इतनी जा रही है तो एससी एसटी आप सोच सकते हैं बहुत ही कम जाएगी, ठीक है क्योंकि एससी एसटी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, क्योंकि इसमें से कम 10-15 नंबर आप काट ही समझेंगे, यानी कि आरआरबी गुवाहाटी में कम से कम 35-36 के बीच कट ऑफ रहने वाली है एससी एसटी कैंडिडेट की, तो सोच सकते हैं कितनी कम कट ऑफ है अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट या जनरल भी हैं तो भी आपके 45 रहने वाली है। चलिए एक और बात बताता हूँ कि सबसे हाई कट ऑफ जो है मतलब पूरे आरआरबी ग्रुप डी सबसे हाई कट ऑफ कौन सी जोन की जाएगी, तो वो है अजमेर, ऑब्वियसली अजमेर जो है सबसे हाई कट ऑफ जाएगी, यहाँ पे 60 कट ऑफ रहने वाली है आरआरबी अजमेर की, जो कट ऑफ है 60 रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ हमें नया वीडियो बनाना चाहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार वीडियो आप लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट कर दीजिए कि आपका जोन कौन सा है, और इसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे, आपको डेली एक जोन वाइज वीडियो मिलेगा शाम के 7 बजे। ठीक है मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।